हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर मोटो बीएचपी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय कार बाजार में हर साल काफी सारी न्यू कार लॉन्च होती है। साल 2023 में भी काफी सारी न्यू कार भारतीय कार बाजार में लॉन्च हुई है। अब 2023 खत्म होने आ गया। जी हां दोस्तों, काफी कम ही दिन 2023 में बचे हैं और 2024 जल्द ही आने वाला है। तो इसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं 2024 के सबसे पहले मंथ यानी कि जनवरी 2024 में आने वाली कुल 9 अपकमिंग कारों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग 9 कार जो कि जनवरी 2024 तक भारतीय कार बाजार में आ सकती है, हम आज उसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आप इन कारों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें लिस्ट की नंबर 1 कार की, तो वो है होंडा HR-V। जी हाँ दोस्तों, होंडा HR-V एक काफी पॉपुलर कार है इंटरनेशनल मार्केट की। अब कंपनी इसे भारतीय कार बाजार में भी उतार सकती है, क्योंकि एक मिड साइज SUV है और मिड साइज SUV सेगमेंट में ये गाड़ी लॉन्च की जाएगी। वैसे तो ये गाड़ी काफी प्रीमियम और काफी प्रीमियम इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ आती है। ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस वाले सेगमेंट में कंपनी इस गाड़ी को लॉन्च कर सकती है। बात करें इसके लुक्स की, तो इसके लुक्स काफी एडवांस, प्रीमियम और बॉक्सी स्टाइल में आपको लगते हैं। ये प्रॉपर हेड टर्नर कार आप इसे मान सकते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 12 लाख से 15.5 लाख तक आप मान सकते हैं। वही इंजन ऑप्शंस की बात की जाए, तो इसमें 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन आपको कंपनी ऑफर कर सकती है, जो कि 129 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करेगी। उसी के साथ इसमें आपको 1.5 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी कंपनी ऑफर करने वाली है, जो कि 129 bhp की पावर और 253 Nm के टॉर्क के साथ आपको प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें आपको मैनुअल CVT और हाइब्रिड में eCVT ट्रांसमिशन मिलने वाला है। गाड़ी में आपको 25 km तक का माइलेज मिल सकता है हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ। उसी के साथ साथ ये गाड़ी काफी बॉक्सी स्टाइल में आने वाली, प्रॉपर आपको एक प्रीमियम क्लासी एलिगेंट SUV की फील देगी। इसमें आपको ADAS वायरलेस चार्जिंग, एडेड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस, बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, सनरूफ जैसे फीचर्स कंपनी ऑफर कर सकती है। जैन 2024 तक भारतीय कार बाजार में कंपनी इसे लॉन्च कर सकती है। लिस्ट में आगे बात करें नेक्स्ट कार की, तो वो है निसान की X-Trail। जी हाँ दोस्तों, निसान X-Trail भी एक काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसे कंपनी भारतीय कार बाजार में उतार सकती है। निसान X-Trail, बता दें कि आपको एक फुल साइज क्रॉसओवर SUV यानी कि 7-सीटर SUV है, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स और काफी प्रीमियम इंटीरियर एक्सटीरियर देखने को मिल जाता है। बात करें निसान X-Trail के कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको काफी प्रीमियम बॉक्सी और रगेड डिजाइन देखने को मिलने वाला, जो कि प्रॉपर SUV की फील देती है। इंजन ऑप्शंस आपको इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, उसी के साथ साथ 1.5 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी कंपनी इसमें ऑफर कर देती है। ये फोर व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ आने वाली है। उसी के साथ इसमें आपको eCVT ट्रांसमिशन भी देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल इंटीरियर भी इसका काफी प्रीमियम और क्लासी है, जिसमें आपको लेदरेट इंटीरियर के साथ काफी प्रीमियम एक्सटीरियर भी देखने को मिलने वाला है। वहीं इसमें आपको फ्लोटिंग टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, न्यू निसान स्टीयरिंग व्हील, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC, फ्रंट वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीट्स देखने को मिलने वाली है। गाड़ी भारतीय कार बाजार में कंपीट करेगी इनोवा हाईक्रॉस, MG हेक्टर और मारुति सुजुकी इनविक्टो को। ये भी गाड़ी आप मान सकते हैं कि 20 लाख टू 25 लाख के आसपास भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जा सकती है, और इसकी जो लॉन्चिंग वो जनवरी 2024 तक भारतीय कार बाजार में की जा सकती है। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करें नेक्स्ट कार की, तो वो है टोयोटा रेस। जी हाँ दोस्तों, टोयोटा रेस भी एक काफी पॉपुलर कार है, जो की एक 5-सीटर कॉम्पैक्ट SUV है। बेसिकली काफी स्पोर्टी SUV दिखने में लगती है। इंटरनेशनल मार्केट में इस गाड़ी की डिमांड काफी ज्यादा है। भारतीय कार बाजार में इसकी प्राइसिंग 8 लाख टू 14 लाख के आसपास आप मान सकते हैं। उसी के साथ साथ इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कंपनी ऑफर करने वाली, जो कि 98 bhp की पावर और 140 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी। ये मैनुअल ट्रांसमिशन में आने वाली है, वहीं इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा। ये बिग 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऑफर करती है, उसी के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, लेदरेट सीट्स, प्रीमियम डैशबोर्ड, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC, वायरलेस चार्जिंग आपको ऑफर करती है। ये जनवरी 2024 तक भारतीय कार बाजार में आप मान सकते हैं कि ये लॉन्च की जा सकती है। और आपको गाड़ी कैसी लगी टोयोटा रेस, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करें अगली गाड़ी की, तो वो है टोयोटा ग्लेंजा स्पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, टोयोटा ग्लेंजा स्पोर्ट एक स्पोर्टियर वर्जन है टोयोटा ग्लेंजा का, जो कि बलियो का एक रीबेस वर्जन है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी को शोकास्ट किया था, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हो पाई। आपको बता दें कि ये गाड़ी जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जाएगी। इसमें आपको काफी कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलने वाले, जो कि गाड़ी को एक प्रॉपर स्पोर्टियर
लुक प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें आपको न्यू डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, फ्रंट न्यू बम्पर, रियर न्यू बम्पर देखने को मिलने वाले, न्यू सेट्स ऑफ एलॉय व्हील्स मिलेंगे, उसी के साथ इसमें आपको स्किड प्लेट्स देखने को मिलने वाली है। और वहीं इस गाड़ी में ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा बल्कि और हैवी ये गाड़ी देखने में लगेगी। इंजन आपको दो इसमें ऑफर किए जाएंगे, पहला रहेगा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेंट पेट्रोल इंजन और दूसरा आएगा इसमें 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, दोनों ही मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आने वाले हैं। इनमें आपको 90 पीएस की पावर और 130 एनएम का टॉर्क मिलेगा। डायमेंशन में ऐसे कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाले और गाड़ी काफ़ी प्रीमियम अट्रैक्टिव क्लासी दिखने में लगती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इंटीरियर में भी आपको काफ़ी मेजर चेंजेस के डैशबोर्ड में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम न्यू कलर स्कीम में डैशबोर्ड मिलने वाला जो कि लेदर रेट के साथ आएगा। उसी के साथ साथ स्टेयरिंग व्हील पर आप टोयोटा की बेजिंग न्यू इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी प्रीमियम और रेड और व्हाइट कलर के एसेंट में आपको काफ़ी प्रीमियम ये गाड़ी लगती है। इस गाड़ी की जो प्राइसिंग आप मान सकते हैं कि 9 लाख के आसपास आ सकती है। उसी के साथ ये January 2024 तक भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जा सकती है। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करें नेक्स्ट कार की, तो वो है महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट भी एक काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है भारतीय कार बाजार में। अब इसका न्यू फेसलिफ्ट जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च किया जाएगा, जो कि इसका थर्ड फेसलिफ्ट रहेगा, जिसमें आपको न्यू सेट्स ऑफ फ्रंट LED हेडलैम्प्स, न्यू बम्पर और न्यू ग्रिल देखने को मिलने वाली है। इसका फ्रंट फेशिया आपको कंप्लीट चेंज देखने को मिलेगा, उसी के साथ इसमें आपको X100 प्लेटफॉर्म देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल लुक्स इसका B05 जो एक न्यू कॉन्सेप्ट वेरिएंट आया है उससे इंस्पायर्ड रहने वाली है, जो कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। साइड पोर्शंस में भी आपको काफ़ी न्यू एलिमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि इसमें आपको न्यू एलॉय व्हील्स देखने को मिलेगी, न्यू स्किड प्लेट्स देखने को मिलने वाली है। वहीं साइड पोर्शन से आपको स्ट्रक्चर सेम टू सेम देखने को मिलेगा। बात कर रियर सेक्शन की, तो रियर में आपको न्यू टेलगेट, न्यू टेल लैंप्स देखने को मिलने वाले हैं विद कनेक्टेड फीचर्स और सी शेप के रहने वाले हैं। उसी के साथ न्यू सेट्स ऑफ बम्पर देखने को मिलने वाले हैं, स्किड प्लेट्स देखने को मिलने वाली है। इंटीरियर में भी आपके लिए फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, न्यू डिजाइन डैशबोर्ड, न्यू स्टीयरिंग व्हील, बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम और बिग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलेगा। वहीं वायरलेस चार्जिंग, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बिग सनरूफ, वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीट्स जैसे फीचर्स इस गाड़ी में देखने को मिलने वाले हैं। ओवरऑल ये गाड़ी भी आपको काफी अट्रैक्टिव, प्रीमियम और क्लासी लुक प्रोवाइड करेगी और सेफ्टी में भी ये गाड़ी आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव कर सकती है। इसकी प्राइसिंग 8,25,000 से स्टार्ट हो सकती है, वही लॉन्च January 2024 तक भारतीय कार बाजार में की जा सकती है। बात करें नेक्स्ट कार की, तो वो है अल्ट्रोज रेसर। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रोज रेसर भी भारतीय कार बाजार में जल्दी लॉन्च की जाएगी। ये काफी पेंडिंग लॉन्च है, इसे कंपनी ने ऑटो एक्सपो में शोकास किया था, लेकिन भारतीय कार बाजार में इसे कंपनी ने अभी तक नहीं उतारा है। काफी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार January 2024 तक कंपनी इसे भारतीय कार बाजार में बिक्री के लिए उतारेगी, जो कि अल्ट्रोज का एक काफी तगड़ा वर्जन रहने वाला है, जो कि ब्लैक एंड रेड एसेंट्स में रहेगा, यानी कि ब्लैक एंड रेड डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आने वाली है। वहीं ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। वहीं फ्रंट में आपको रेसिंग स्ट्रिप्स देखने को मिलने वाली है, जो कि फ्रंट बोनट से होते हुए आपको अपर रूफ तक देखने को मिलने वाली है। वहीं इसमें आपको सनरूफ देखने को मिलेंगे। बाकी एज सच आपको कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, काफी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस गाड़ी में देखने को मिलने वाले हैं। इंटीरियर में भी आपको ब्लैक एंड रेड कलर के एक्सेंट देखने को मिलने वाला है। स्टीयरिंग व्हील भी न्यू देखने को मिलेगा। बिग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ 10.25 इंचेस का बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स गाड़ी में कंपनी ऑफर करेगी। वहीं 1.5 लीटर रिवोटन पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि टर्बो चार्ज रहेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक रेसर वर्जन है। इसकी प्राइसिंग 2.5 लाख से भारतीय कार बाजार में स्टार्ट हो सकती है और आप मान सकते हैं कंपनी इस गाड़ी को जनवरी 2024 तक भारतीय कार बाजार में उतार सकती है। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करें नेक्स्ट कार की, तो वह मारुति सुजुकी एस्क्रॉस नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी एस्क्रॉस नेक्स्ट जनरेशन के 2 जनरेशन को कंपनी ने भारतीय कार बाजार में उतारा था, लेकिन इसका 3rd जनरेशन अभी तक भारतीय कार बाजार में नहीं आ पाया। इसे कंपनी ने यूरोपियन मार्केट में तो लॉन्च कर दिया है। अब काफी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इसे जनवरी 2024 तक भारतीय कार बाजार में भी उतार सकती है। इसमें आपको ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ इसमें आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कंपनी ऑफर करेगी। ये 140 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी के साथ आने वाली है, जिसमें 150 BHP की पावर और 138 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। ये ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ आएगी। उसी के साथ इसमें आपको 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलने वाला है। ये 17 इंचेस एलॉय व्हील्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 8 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट,
360 डिग्री कैमरा जिससे काफी सारे फीचर्स के साथ आने वाली है। इसे जनवरी 2024 तक भारतीय कार बाजार में लॉन्च किया जाएगा और इसका माइलेज आप 2025 कैंपर तक कम मान सकते हैं। वहीं बात करें प्राइसिंग की तो इसकी प्राइसिंग 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकती है। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करें नेक्स्ट कार की तो वो है किया सोनेट फेसलिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, 15 दिसंबर को कंपनी ने इस कार को अनवील कर दिया है, लेकिन अभी तक इस गाड़ी की लॉन्चिंग नहीं हुई है। बता दें कि जनवरी 2024 तक कंपनी इसे भारतीय कार बाजार में उतार सकती है। इसकी बुकिंग्स भी अब स्टार्ट हो चुकी है। किया सोनेट एक काफी प्रीमियम कार है जो कि अपने फैसिलिटी के साथ काफी तगड़ी दिखने में लगती है, जिसमें आपको न्यू सेट्स ऑफ फ्रंट डीआरएल्स, न्यू हेडलैम्प्स देखने को मिलने वाले हैं। ग्रिल भी कंपनी ने चेंज कर दी है, बम्पर की डिजाइन भी कंपनी ने चेंज कर दी है। उसी के साथ इसमें आपको न्यू सेट्स ऑफ अलॉय व्हील्स कंपनी ऑफर करने वाली है। रियर सेक्शन में भी आपको कनेक्टेड टेललैम्प्स के साथ साथ काफी प्रीमियम टेलगेट देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल गाड़ी काफी प्रीमियम और अट्रैक्टिव कर दी गई है। काफी कॉस्मेटिक चेंजेस गाड़ी में हुए हैं। वहीं इसमें मैकेनिकल चेंजेस की बात करें तो आपको एस सच कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। जो करंट जनरेशन किया सोनेट में आपको इंजन देखने को मिलता है, वही आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। सेम इज कंटिन्यू हुए हैं न्यू फेसलिफ्ट किया सोनेट में। वहीं इंटीरियर में भी आपको काफी मेजर चेंज देखने को मिलने वाला, जिसमें आपको कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाला, न्यू स्टीयरिंग व्हील, बिग सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, वेंटिलेटेड सीट्स, टैट कलर इंटीरियर देखने को मिलने वाला। ओवरऑल गाड़ी काफी प्रीमियम, अट्रैक्टिव, क्लासी दिखने में लगती है। गाड़ी की जो प्राइसिंग है आप मान सकते हैं कि 8.5 लाख से स्टार्ट हो सकती है। वही लॉन्चिंग ये जनवरी 2024 तक भारतीय कार बाजार में की जा सकती है। आपको ये कार कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर से कुछ कारें थी जो कि भारतीय कार बाजार में जनवरी 2024 तक लॉन्च की जा सकती है। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू। यू हैव अ वेरी वेरी